क्रिस्त यीशु में मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज पवित्र माता कलिसिया पावन त्रित्व में ईश्वर का उत्सव मना रही है। त्रित्व के बारे में विचार करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे मन में यह तथ्य उत्पन्न होता है और वह सत्य है कि एक ही ईश्वर है। एक ईश्वर में तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये तथ्य को समझना हम मानव के सीमित बुद्धि के परे है, लेकिन हम लोगों के दिल और मन में यह विश्वास का बीज बोया गया है कि हम उसको विश्वास करते हैं। और कलिसिया के धार्मिक सिद्धांत जो है वो हमें विश्वास करने के लिए कहती है कि ये जो पावन त्रित्व ईश्वर है वो हम मानव के सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इसलिए हम उस पर सीधे विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में प्रत्येक क्रिया पावन त्रित्व के नाम पर होता है। सुबह से जब हम उठते हैं, शाम तक जब हम सोने जाते हैं, कोई भी कार्य हम जो करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही करते हैं। हम संस्कार जिसे मनाते हैं, जो भी प्रार्थना हम करते हैं, ये सब त्रित्व ईश्वर के नाम में रहता है। यह त्रित्व ईश्वर हमारे जीवन का स्रोत, हमारे जीवन का वजूद, हमारे जीवन का मार्गदर्शन और लक्ष्य सिद्ध करता है। ये तीन व्यक्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर के अद्भुत प्रेम को हम मानव को दर्शाता है। वे तीनों प्रेम में परिपूर्ण है, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ये तीनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ एकात्मकता का प्रेम के बंधन से क्रिया करते हैं। प्यारे बंधुओं, वास्तव में त्रित्व क्या है? क्या हम सामान्य मनुष्य सीमित बुद्धि से इस रहस्य को जान सकते हैं? आपके सामने मैं दो छोटी सी घटनाएं रखना चाहता हूं। वो है, आप लोग संत अगस्तीन को अच्छी तरह से जानते हैं। अपने जीवन परिवर्तन और बपतिस्मा के बाद पवित्र त्रित्व के रहस्य को समझने के लिए वे एक दिन समुद्र के तट पर निकल गए। और जब वह समुद्र के तट पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा नन्हा बालक को देखा कि वो बालक समुद्र के किनारे एक छोटा गड्ढा बना करके सागर के जल को हथेली में ला ला करके इस गड्ढे में भर रहा था। और अगस्तीन थोड़ी दूर खड़ा होकर के उस बालक की इस क्रिया को देख रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद उन्होंने उस बालक से पूछा, बालक ये तुम क्या कर रहे हो? वो बालक ने अगस्तीन से कहा, मैं इस सागर का जल को इस गड्ढा में भरकर सागर को खाली करना चाहता हूं। तो प्यारे बंधुओं, अगस्तीन मुस्कुराकर उनसे कहे, बालक ये असंभव है। तब उस बालक ने अगस्तीन से कहा, आप जो
उस त्रित्व में ईश्वर के रहस्य के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, उसकी उत्तर खोज रहे हैं, वह कहीं इससे भी बढ़कर है। तब वह बालक वहां से चला गया। अगस्तीन के आंखों से ओझल हो गए। इसी तरह प्यारे बंधुओं, एक उत्तरदायी पति अचानक बिना किसी कारण, बिना कोई बीमारी का मर जाता है और पत्नी और उनके बाल बच्चे स्तब्ध रह जाते हैं। वे पूछते हैं ईश्वर से, ऐसा क्यों हुआ? Why it happened like this? उनको जवाब नहीं मिलता है। प्यारे बंधुओं, इन दो छोटी सी घटनाओं में हम सभी कुछ ना कुछ समझ गए होंगे कि ये ईश्वर का रहस्य, त्रित्व ईश्वर का रहस्य क्या है। हमें धीरे धीरे इसकी जानकारी मिलेगी, यह आशा हमें ईश्वर देते हैं, तभी तो हमारा विश्वास इस त्रित्व ईश्वर पर मजबूत है। हमारे बपतिस्मा में ये त्रित्व ईश्वर आत्मा के रूप में प्रदर्शित हुए। हमारा विश्वास मजबूत है, इसलिए हम ईश्वर के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। जिस तरह से संत अगस्तीन और उस उत्तरदायी पति के परिवार में इतनी हलचल थी कि वे लोग समझना चाहते थे ईश्वर के रहस्य को, नहीं समझ पाए, वैसे ही आज हमको लग रहा है। लेकिन ये रहस्य, जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं, सारी चीजें यदि एक बार में मैं आपको दे देता हूं और दिखा देता हूं तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। और प्रभु के वचन सांसारिक जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन में सत्य ठहरता है। हमारी जब से उत्पत्ति हुई है तब से हम इस विश्वास को, इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं और हमें इसकी जानकारी शनय शनय हो रहे हैं और इसकी जानकारी हमें मिलेगी। प्यारे बंधुओं, इसकी जानकारी उस ईश्वरीय अखंड प्रेम से मिलेगा। ईश्वरीय प्रेम अखंड है, मजबूत है और एकात्मकता है इसमें, इसमें कोई दो भाग नहीं है। वो प्यार जब हम महसूस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का रहस्य उस ईश्वरीय प्रेम में छुपा हुआ है। यही ईश्वरीय प्रेम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जोड़ता है, साथ में बांधता है। अब हमारे परिवार में देखिए, हमारे समाज में देखिए, हमारे पड़ोस में देखिए, हमारे समुदाय में देखिए, ऐसी कौन सी शक्ति है जो हम सबको मजबूत रस्सी या धागे से बांधता है? वो है प्यार रूपी रस्सी और धागे, वह ईश्वर का प्यार। यदि ईश्वर का प्यार नहीं होता तो हम सभी एकजुट में नहीं रहते, एक दूसरे को नहीं पहचानते। आज वही पवित्र त्रित्व ईश्वर की देन है कि हम इस प्यार में बंधे हुए हैं और इस प्यार में हम बंधे रहेंगे। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए, कि हर प्रकार की विपत्ति में, परेशानी में, मुसीबतों में त्रित्व में ईश्वर का प्यार बनी रहे, जो पवित्र त्रित्व में हमेशा व्याप्त रहता है,
जहां प्रेम, शांति, भाईचारा, एकता, समानता और बंधुत्व बनी रहे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।